स्वयं पर विश्वास करें। आपको गहराई में झांकना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं, नहीं जो आपके शिक्षक या माता पिता आपको बनाना चाहते हैं वो नहीं, बल्कि आप खुद क्या बनना चाहते हैं। स्वेज नेगर का कहना है कि आपको अपने साथ ईमानदार होना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आपको क्या खुशी देता है। भले ही दूसरों ने आपकी इच्छाओं को स्वीकार न किया हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसे सफलता पाएंगे। अर्नोल्ड के पिता उन्हें एक फुटबॉल खिलाड़ी बनाना चाहते थे, लेकिन वो अब तक का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे। तो आपको दूसरों की अपेक्षाओं को खारिज करना ही होगा और आप वास्तव में जो बनना चाहते हैं वो बने। दूसरों के लिए जीने के लिए जीवन बहुत छोटा है। एक दिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप अब स्वतंत्रता और अवसर खो देंगे। इसे मंजूर ना करें। अपने जीवन में कैसे सफल हुआ जा सकता है, अपने आप में विश्वास करो। अपने आप को बताएं कि आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ नियम तोड़ें। इस धरती पर होने का क्या मतलब है? यदि आप जो भी करना चाहते हैं वो हर किसी के द्वारा पसंद किया जाता है, और परेशानी से बचें। यदि आप कुछ असली में करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम तोड़ने होंगे। लोग आपको नीचे खींचेंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे झुंड को छोड़ने से डरते हैं। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स को कॉलेज से बाहर कर दिया गया। जब अर्नोल्ड ने अभिनय में कोशिश की, उत्पादकों ने उन्हें बताया कि उनका नाम अजीब था और उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन ये उसे रोक नहीं सका था। नतीजतन जब उन्होंने अभिनय किया तो निर्देशक ने कहा, अगर हमारे पास स्वर्जनेगर नहीं होता तो हमें एक इसको बनाना पड़ता। अपने जीवन में कैसे सफल हों, नियमों की परवाह ना करें, मौलिकता के बारे में ध्यान रखें। असफल होने से डरो मत। असफलता के डर से आप विचलित नहीं हो सकते हैं या आप खुद पर कभी जोर नहीं डालते। स्टीवन स्पिलबर्ग अपने समय के महान निर्देशकों में से एक है, और स्कूल में अपने निम्न ग्रेड के कारण उन्हें अपने सपनों का कॉलेज UCLA से खारिज कर दिया गया। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप इन अवसरों का 100% प्राप्त नहीं करेंगे जो आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। आपको खोए गए अवसरों को सबक के रूप में देखना चाहिए। खोजें आपने गलत क्या किया, आप कैसे सुधार कर सकते हैं। अनुभवी लोगों से फीडबैक लें और सुधार के क्षेत्रों को ढूंढें। जब तक आप सफल ना हो जाएं, तब तक सीखना बंद ना करें। अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, विफलताओं को सुधार के अवसरों के रूप में देखें। नकारात्मकता पर ध्यान न दें। जैसा कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपको नापसंद करेंगे। वे कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके पास कौशल या दिमाग नहीं है, लेकिन आपको अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। जब अर्नोल्ड फिल्म स्टार बनने के लिए चले गए, लोगों ने उन्हें बताया कि यह बहुत बड़ा है, इसमें एक अजीब उच्चारण और अजीब नाम है। बाद में जब उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए प्रयास किया, लोगों ने उनसे कहा, आपको पहले महापौर, नगर परिषद, राज्य सीनेटर के लिए और फिर शायद गवर्नर के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर उसने उन लोगों की बात सुनी होती तो आज हमारे पास महान नेता नहीं होता और आप इस लेख को नहीं पढ़ रहे होते। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो शत्रुओं को अनदेखा करें। जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, उन लोगों पर ध्यान न दें जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। आप कभी भी विफल नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आपने कड़ी मेहनत नहीं की। आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो आपको औसत लोगों की तुलना में कठिन काम करना पड़ेगा। यह महानता का बुनियादी सिद्धांत है। अर्नोल्ड कहते हैं, जीवन में मजे करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, एक ही समय में कोई कड़ी मेहनत कर रहा है, कोई होशियार बनता जा रहा है और कोई जीत रहा है, बस उसे याद रखिए। माइकल फ्लैप्स सबसे महान तैराक है। सप्ताहांत में कभी छुट्टी नहीं ली। सप्ताहांत को बंद करने का मतलब है प्रतिवर्ष 104 दिन लगाना। क्या आप वास्तव में प्रतिवर्ष 3.5 महीने का समय लेना चाहते हैं? क्या आपके महानता के प्रति प्रतिबद्धता का यही स्तर है? अपने जीवन में सफल होने के लिए हर किसी की तुलना में कठिन काम करें। अर्नोल्ड के ससुर ने पीस कॉर्प्स की शुरुआत की, जिन्होंने येल विश्वविद्यालय में अपने शुरुआती भाषण में कहा, उस दर्पण को नीचे गिरा दें, उस दर्पण को तोड़ दें जो आपको अपने तक सीमित रखता है।
और फिर आप उस दर्पण से आगे देख सकेंगे और आप लाखों लोगों को देखेंगे जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपको एहसास होना चाहिए कि लाखों लोग हैं जो स्वच्छ पानी नहीं पी सकते, उनके लिए उनका शरीर बोझ बन गया है और खुशी से रहने की उनकी क्षमता में समझौता किया गया है। इसलिए आपको लोगों की सहायता करने का एक रास्ता खोजना होगा। इस सब मनुष्य का उद्देश्य अलग अलग तरीकों से सेवा का देना है, क्योंकि जब आपका जीवन समाप्त होता है आपको पता चल जाएगा कि पैसे सिर्फ लोगों के द्वारा बनाया गया भ्रम है। जैसा जिम कैरी ने कहा, सबसे मूल्यवान मुद्दा आपका प्रभाव है जो अन्य लोगों पर असर पड़ती है। कैसे अपने जीवन में सफल हो अन्य लोगों के लिए सेवा करके। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।